समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। रायबरेली सीट 1952 के चुनाव के बाद से ही सबसे अधिक बार गांधी परिवार के पास ही रही और कांग्रेस इसे सुरक्षित सीट मानती है, लेकिन राहुल गांधी की अमेठी छोड़कर रायबरेली आने पर सियासत गर्मा गई और रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने गांधी परिवार पर तंज कसा। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा, प्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। वहीं राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में 2019 में मात देने वाली बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने रणछोड़ करार दिया। जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। रायबरेली सीट पर साल 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी सांसद रहीं। इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था और राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। 2009 में पहली बार चुनाव जीतकर राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2019 में अपने गढ़ में ही हार गए थे, जिसे लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ने तंज किया और रायबरेली का नतीजा भी बता दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस डरे हुए हैं, अमेठी से भाग करके वायनाड गए, वायनाड के बाद वो रायबरेली में गए हैं। रायबरेली की जनता पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मन बना चुकी है। प्रचंड बहुमत के साथ रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी और कन्नौज सभी सीटों पर बीजेपी ही जीते। जिस समय कांग्रेस पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं सभी सीटें सेफ है, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे देवरिया हो, चाहे बनारस। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रहार करते हुए कहा कि अमेठी और वायनाड के बाद रायबरेली से भी भाग जाएंगे। राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए, इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही प्रियंका गांधी के समर्थक मायूस हो गए। प्रियंका के समर्थकों को लग रहा था कि वो किसी एक सीट पर तो चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल ये है कि प्रियंका गांधी को पार्टी ने चुनावी अखाड़े में आखिर क्यों नहीं उतारा। हालांकि सीधे तौर पर ना सही, लेकिन जयराम रमेश ने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस का प्रियंका को लेकर क्या प्लान है। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही हो। अगर राहुल गांधी की रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर जीत दर्ज करते हैं तो उस सूरत में एक सीट पर उपचुनाव तो होगा ही। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस वायनाड या रायबरेली से प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उतार सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तब तक प्रियंका गांधी को संगठन को मजबूत करने की अहम जिम्मेदारी निभानी होगी। हालांकि सियासी हलकों में प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने के पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए सीट शेयरिंग का समझौता भी एक बड़ी वजह कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने शर्त रखी थी कि गांधी परिवार में से कोई एक ही यूपी से चुनाव लड़े, लिहाजा अखिलेश की शर्त मानते हुए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनावी रणभूमि से दूर रखने का फैसला किया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कई दिनों के सस्पेंस के बाद आज अमेठी से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि इस हाई प्रोफाइल सीट से पार्टी ने राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, जिनका मुकाबला पिछली बार की विजेता और यहां से सांसद रही स्मृति ईरानी से होगा। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराकर अमेठी से गांधी परिवार का सूपड़ा साफ कर दिया था। तो शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने के फैसले पर स्मृति ईरानी ने ये कहते हुए तंज कसा कि गांधी परिवार ने अपनी हार स्वीकार कर ली है।
अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ा। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा के चुनाव को सही ठहराया। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं और गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यही नहीं, किशोरीलाल शर्मा के नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रही। नामांकन के लिए जाते वक्त उन्होंने अमेठी की जनता का आह्वान भी किया। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा भी ताल ठोकते नजर आए, लेकिन उन्हें भी अच्छी तरह पता होगा कि बीजेपी की स्मृति ईरानी को टक्कर देना आसान तो कम से कम नहीं रहने वाला। वो भी तब जब बीजेपी राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई हो। अपने को मोदी जी का विकल्प का दावा करने वाले मोदी जी को सुबह शाम चिल्लाकर शर्मनाक भाषा में चैलेंज करने वाले राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर यह कहते हुए भी तंज कसा कि वो कहीं भी चले जाएं जीतने वाले नहीं हैं। वो किधर भी चले जाए हार निश्चित है। यही नहीं, बीजेपी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस का कोई भी नेता अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। यही वजह है कि केएल शर्मा को पंजाब से बुलाकर अमेठी में लड़वाया जा रहा है। कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने हमला बोला तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमेठी ही नहीं बल्कि रायबरेली से भी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। पार्टी हाईकमान ने सोशल फैसले किए हैं, पार्टी इंटरेस्ट में किए हैं। बीजेपी और बता रही है अमेठी। अरे वो क्या कहेगी और उनको आपको लगता है कि जीत होगी इस बार अमेठी रायबरेली? बिल्कुल, दोनों सीटें जीतेंगे, कोई अंतराल बता? दोनों सीटें भारी बहुमत जीतेंगे। फैसला हुआ है कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत डरो मत डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। बीजेपी तो कांग्रेस पर हमला करेगी ही, लेकिन अब सवाल यह है कि स्मृति ईरानी से मुकाबले के लिए जिन केएल शर्मा को कांग्रेस ने अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया है वो क्या गांधी परिवार की लाज बचा पाएंगे? सवाल यह भी है कि क्या वो गांधी परिवार के गढ़ में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फहरा पाएंगे? और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए जी मीडिया की टीम अमेठी पहुंची, जहां लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कहा कि अमेठी से चुनाव न लड़ने का फैसला कर राहुल गांधी ने गलत किया, इससे स्मृति ईरानी की जीत पक्की हो गई। उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था, अगर अमेठी से लड़ते तो उनकी स्थिति अच्छी होती, लेकिन अब स्मृति ईरानी यहाँ से साफ कर देंगे। स्मृति ईरानी के लिए रास्ता साफ है, उन्हें उन्हें केएल शर्मा नहीं हरा पाएंगे। केएल शर्मा नहीं हरा पाएंगे क्योंकि केएल शर्मा की इमेज यहाँ अच्छी नहीं है। वहीं कुछ लोग ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके परिवार ने रायबरेली और अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। कुल मिला जुला के दोनों से वो बेकार चुनाव लड़ रहे हैं, हार जाएंगे, संस्था चली जाएगी उनकी। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया और वो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा की जीत का दावा करते दिखे। कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण चेहरा दिया है, किशोरी लाल शर्मा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतेंगे। किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ के बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, यहाँ और उनका त्याग है, 40 सालों का त्याग है, वो एक एक कार्यकर्ताओं के को जानते हैं यहाँ। अमेठी में एक बार फिर कमल खिलेगा या लोग हाथ को मजबूत करेंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को आखिर अमेठी की जगह रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला क्यों लिया। इसके पीछे कई वजह है, जिसमें से पहली वजह है अमेठी में कांग्रेस का लगातार घटता वोट प्रतिशत। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी में 76.20% वोट मिले थे, जबकि 2019 में कांग्रेस को महज 43.84% वोट मिले और 50% वोटों के साथ बीजेपी ने बाजी मार ली।
इसके बाद 2022 में अमेठी की पांचों विधानसभाओं में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं क्षेत्र में स्मृति ईरानी का दबदबा बढ़ता चला गया। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने तो अमेठी में अपना घर भी बनवा लिया है और वो अमेठी को अब अपना घर कहती हैं। वहीं कांग्रेस को इस बात का भी डर होगा कि अगर दूसरी बार राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो उनकी छवि को एक बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा पार्टी को लगा कि अमेठी की तुलना में रायबरेली कहीं ज्यादा सेफ सीट होगी। जबकि एक और बात गौर करने वाली है और वो ये है कि 2019 में हार के बाद अमेठी से राहुल गांधी का फोकस हट गया था, वो वायनाड को अपना घर बताने लगे थे। अब आपको बात पते की समझनी चाहिए और बात पते की यह है कि पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी की हार और वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद ये कहा जाने लगा था कि हिंदी हार्टलैंड में गांधी परिवार की स्वीकार्यता खत्म होने लगी है। कांग्रेस को उत्तर भारत में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लिहाजा गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश के जरिए हिंदी हार्टलैंड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और बीजेपी को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया। Z News.